अर्थशास्त्र से पता चलता है कि चाणक्य का व्यवहार तपस्वियों और परिव्राजकों के प्रति बहुत कठोर था। राज्य के गांवों में लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाती थी। बौद्ध तपस्वियों को राज्य के गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के गांवों में प्रवेश करने वाले साधुओं को लोहे के छड़ों से कोरे मारने की सजा भी दी जाती थी। भिक्षुओं को दान या आश्रय देने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। अगर किसी परिव्राजक ने महिलाओं को संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया तो इसके लिए कड़ी सजा थी। किसी भी पुरुष या महिला को बौद्ध धर्म सहित किसी भी तपस्वी संघ में शामिल होने पर पकड़ लिया जाता था और सजा दी जाती थी। भिक्षुओं को गांव में संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, भिक्षुओं के आवास शहरों और गांवों के बाहर श्मशान घाटों से भी आगे जाकर ही स्थापित किए जा सकते थे। लेकिन चाणक्य ने बौद्ध और अन्य तपस्वी संप्रदायों के खिलाफ इस प्रकार की कठोर नीति क्यों बनाई? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में चाणक्य ने घोषणा की है कि राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में ही निहित है और राजा का कल्याण उसकी प्रजा के कल्याण पर ही निर्भर करता है। इस घोषणा के बाद चाणक्य उन नीतियों के साथ आगे बढ़ते हैं जो कि इसके ठीक विपरीत है। चाणक्य को भारत के अब तक के सबसे महान दार्शनिकों, शिक्षकों और अर्थशास्त्रियों में से एक माना जाता है। वह अपने एक अन्य नाम कौटिल्य से भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत के सबसे पहले और सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र की रचना की जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। अर्थशास्त्र 150 अध्यायों में 5348 श्लोकों का एक विशाल ग्रंथ है जो कई ऋषियों की शिक्षाओं का विश्लेषण करता है और उन पर चाणक्य के विचार भी रखता है। अर्थशास्त्र पूरी तरह से अर्थ प्राप्त करने और उनको संरचित करने से ही संबंधित है। अर्थशास्त्र में चाणक्य मुख्य रूप से अर्थ यानी धन और राजनीतिक शक्ति के बारे में ही बात करते हैं। किसी अन्य चीज में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। धन और शक्ति की प्राप्ति में उनके अनुसार भावनाओं, नैतिकता और धर्म का कोई स्थान नहीं था। चाणक्य की धर्म में बहुत कम दिलचस्पी थी। वो धर्म का उपयोग सिर्फ राजा और राज्य की शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए ही करते थे। साधुओं और तपस्वियों का एकमात्र महत्व उनके लिए उनका जासूसों के रूप में प्रयोग करना ही था। चाणक्य ने एक ऐसे राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया जो कि प्रजा के जीवन के हर पहलू पर पूरा नियंत्रण करता था। यहाँ तक कि स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त का दैनिक जीवन भी चाणक्य के द्वारा बताए गए दिनचर्या के हिसाब से ही चलता था। चाणक्य राज्य की विशाल नौकरशाही का प्रयोग राज्य की हरेक गतिविधि पर नियंत्रण के लिए करते थे। राज्य में जन्म और मृत्यु से लेकर लोगों की आवाजाही तक हर चीज पर नजर रखी जाती थी। वो अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर अपनी नज़र रखे रहते थे। वो राजकाज की महत्वपूर्ण चीज़ों के अलावा हर छोटी बड़ी चीज़ों पर भी ध्यान देते थे। उन्हें साफ सफाई के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं था। उन्होंने सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाया हुआ था। सड़क, मंदिर, तालाब या शाही संपत्ति के पास शौच करने पर भी भारी जुर्माना था। शहर की सीमा के भीतर जानवरों या मनुष्यों के शवों या शरीर के अंगों को फेंकने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने आज से 2500 साल पहले यातायात के नियम भी बना रखे थे। हालांकि मौर्य साम्राज्य के शहरों में यातायात के रूप में ज़्यादातर पैदल यात्री और बैल या घोड़े से चलने वाली गाड़ियाँ ही होती थी। बिना चालक के या नाबालिग द्वारा चलाए जाने वाली गाड़ी पर जुर्माना था। यातायात दुर्घटनाओं के खिलाफ भी नियम थे। हालांकि यातायात दुर्घटनाएं ज़्यादातर पैदल यात्रियों की जानवरों द्वारा खींची जा रही गाड़ियों से टक्कर के रूप में ही होती थी। पर्यावरण की सुरक्षा चाणक्य के लिए एक और प्रिय विषय था। सार्वजनिक पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर भारी जुर्माना लगाया गया था। लेकिन अर्थशास्त्र में वर्णित सबसे अधिक जुर्माना किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाने पर लगाया गया था। चाणक्य के लिए किसी को गुलाम बनाना राज्य में सबसे गंभीर अपराधों में से एक था। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था किए बिना किसी भी गृहस्थ को सन्यासी बनने की अनुमति नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद ही तपस्वी बनने की अनुमति दी जाती थी, वह भी एक न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही। इन शर्तों को पूरा किए बिना सन्यास लेने वालों को
कड़ी सजा दी जाती थी। श्रमण और अन्य तपस्वी संस्थाएं जो कि चाणक्य के भौतिकवादी मूल्यों के विरोधी थे, उन्हें समाज की परिधि से बाहर रखा गया था। उनका मानना था कि राजा के सभी कार्य धन पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए राजा को धन के ऊपर अपना सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और चाणक्य ऐसा कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे जो कृषि की उत्पादकता को बाधित करता हो। राज्य के गांवों में लोगों की आवाजाही पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि चाणक्य का व्यवहार तपस्वियों और परिव्राजकों के प्रति बहुत कठोर था। संन्यास की महान लहर पिछले 200 सालों से चली आ रही थी। बौद्ध धर्म के आने के बाद इसमें और तेजी आ गई थी। श्रमण संघों ने आर्य समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था और समाज में परिवार की स्थिति को खतरे में डाल दिया था। पति पत्नियों को छोड़ रहे थे और पत्नियां पति को छोड़कर संन्यास ले रहे थे और बड़ी संख्या में संघ में शामिल हो रहे थे। चाणक्य के अनुसार ये गांवों और शहरों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे थे। चाणक्य तपस्वियों के खिलाफ कुछ सबसे क्रूर उपाय लेकर आए। उन्हें सजा के रूप में कारावास देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी जगह वह शारीरिक दंड और धन के जुर्माने में विश्वास करते थे। उन्हें कानून तोड़ने वालों को राज्य के खर्चे पर रखने और उनका भरण पोषण करने का कोई मतलब नज़र नहीं आता था। बौद्ध और अन्य परिव्राजकों को राज्य के गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें डर था कि वो खेती के काम में व्यवधान डालेंगे और इससे कृषि की उत्पादकता खराब होगी। उन्हें लगता था कि साधु गांव में जाकर अशांति भी पैदा कर सकते हैं। गांव के अंदर तपस्वियों की आवाजाही पर भारी जुर्माना लगाया गया था और इसका उल्लंघन करने पर परिव्राजकों को लोहे की छड़ों से कोरे मारने की सजा भी दी जाती थी। कभी कभी जुर्माने की जगह उन्हें कुछ दिनों के जबरन उपवास का दंड भी दिया जाता था। भिक्षुओं को दान या आश्रय देने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। अगर किसी परिव्राजक ने महिलाओं को संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया तो इसके लिए कड़ी सजा थी। किसी भी पुरुष या महिला को बौद्ध धर्म सहित किसी भी तपस्वी संघ में शामिल होने पर पकड़ लिया जाता था और सजा दी जाती थी। भिक्षुओं को गांव में संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। इतना ही नहीं, भिक्षुओं के आवास शहरों और गांवों के बाहर श्मशान घाटों से भी आगे जाकर ही स्थापित किए जा सकते थे। बौद्ध भिक्षुओं और अन्य तपस्वियों को लोगों के संपर्क में आने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था। चाणक्य को आशंका थी कि इससे लोगों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी और लोग खेती या व्यापार छोड़कर संन्यास ले सकते हैं। हालांकि आर्यों की वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले ब्राह्मण साधुओं को गांवों और शहरों में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की अनुमति थी। चाणक्य द्वारा बनाई गई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बहुत कठोर थी, जहां सत्ता और धन को केंद्र में रखा गया था और धर्म और संतों को समाज के हाशिए पर। चाणक्य का अंत बहुत दुखद था और उनके द्वारा बनाई गई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था भी उनकी मृत्यु के बाद ज़्यादा समय तक टिक न सकी। जब अशोक भारत के सम्राट बने और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उन्होंने धर्म को राज्य की व्यवस्था में फिर से महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने राज्य के केंद्र में रखा। परिव्राजकों और बौद्ध संघ ने सामाजिक जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। कौटिल्य के द्वारा स्थापित भौतिकवादी व्यवस्था को सम्राट अशोक ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। चाणक्य की नीति फिर कभी राज्य की नीति नहीं बन पाई। छठी शताब्दी तक चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पूरी तरह से खो गई, जो कि 20वीं शताब्दी में ही दोबारा मिल पाई, जब 1905 में मैसूर की एक लाइब्रेरी में अर्थशास्त्र की एक पांडुलिपि खोज निकाली गई।